मुझे याद है मैं राजस्थान में था तो कोटा में था तो कोटा में भारतीय जनसंघ का अध्यक्ष कौन हो बनाने के लिए बुजुर्ग कौन कौन हो सकता है सम्मानित बुजुर्ग कौन है तो एक सज्जन का नाम लिया जो आर्य समाज के अध्यक्ष थे मैं उनसे मिलने गया और उनको कहा कि आप हमारे अध्यक्ष भी बन जाइए भारतीय जनसंघ की क्या उपराजनीतिक पार्टी है मैंने कहा बोलो आप आर्य समाज की जो विचार है सिद्धांत है उनसे कोई टकराव नहीं है आप आर्य समाज में रहे अध्यक्ष रहे लेकिन आप हमारे अध्यक्ष भी बन जाइए और मान गए लेकिन मुझे याद है इसलिए कि भाई हम ढूंढते थे कि हमारे हमारी पार्टी जिसमें अधिकांश युवक है 20-25 साल के कुछ बुजुर्ग होना चाहिए जिसको हम अध्यक्ष बनाए और बनाए मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि आज जिस स्थान पर पहुंचे हैं हम इतनी बड़ी पार्टी है देशव्यापी जिसका सम्मान सारी दुनिया भी करती है उस स्थान पर पहुंचने में जिन वर्गों में हमारा साथ दिया शैशव काल में उनमें प्रमुख व्यापारी थे कर्मचारी थे विद्यार्थी थे युवक थे और उन्होंने किया और हम पहुंच गए यहां पर और इसीलिए आज जब मुझे श्याम बिहारी जी ने कहा कि आप आइए मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा और कोई नहीं तो आपको बधाई देने के लिए आऊंगा और आपको अभिनंदन करने के लिए आऊंगा कि किसी सूरत में इस FDI के साथ समझौता नहीं होगा और हम उसके साथ संघर्ष करेंगे और हम उसके साथ संघर्ष करके सरकार को मजबूर करेंगे। अभी आसाम में घटनाएं हुई किसी घटना और किसी समस्या के रूप को समझने की बात होती है। मैं जब वहां पर गया तो मुझे बताया गया कि वहां पर जो आदिवासी बोडो है उन बोडो को मारा जा रहा है उनका संघर्ष हो रहा है संघर्ष करने वाले कौन है और उन्होंने कहा कि ये तो हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे हैं। मैंने जाते ही पहली बात कही कि इस बात को पहचानिए कि हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं है तो उन्होंने कहा क्या है किसी दूसरे ने कहा कि ये ट्राइबल वर्सेस नॉन ट्राइबल है आदिवासी है और गैर आदिवासी हैं उनके बीच में लड़ रहा है। मैंने कहा ये भी बात सही नहीं ये सांप्रदायिक झगड़ा नहीं है और ये जिसको कहते हैं जातिगत झगड़ा भी नहीं है ये झगड़ा मूलतः भारतवासी का और विदेशी का है। इस तथ्य को पहचानो भारतवासी जो भारत मूल का है और दूसरा पड़ोस से आया हुआ हो घुसपैठ करके आया हुआ विदेशी उसके साथ झगड़ा है। इस स्वरूप को पहचानो लोगों को समझ में आया धीरे धीरे करके और कैसी विडंबना है कि हमने तो कहा कि इस समस्या का हल